हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक चॉकलेट स्पॉन्ज की रेसिपी लेके आई हूँ जो इतना सॉफ्ट है कि इसमें अगर आप सिरप नहीं भी डालते हैं तो भी आपका केक बहुत ही स्पॉन्जी रहेगा। इसको आप किसी भी केक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 7 इंच के 3 पैन लिए हैं जिसको मैं ग्रीस कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और ऑयल को ऐसे पैन में मैं फैला ले रही हूँ और उसके बाद इस पर मैं पार्चमेंट पेपर लगा लूँगी। ये देखिए दोस्तों, पहले ही मैंने राउंड काट के रख लिया था। ऐसे करके मैंने अपने तीनों पैन तैयार कर लिए हैं। चलिए अब हम केक बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। अब मैंने अपना अवन भी प्री हीटिंग के लिए लगा दिया है 170 डिग्री पे। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है। मैदा जो है वो 3 कप है, 350 ग्राम। ग्राम से अगर आप नापें तो दोस्तों, अगर आप केक बना रहे हैं तो ग्राम से अगर नापते हैं चीज़ें तो हर बार अच्छी बनेंगी, आपकी रेसिपी हर बार एक सी और अच्छी बन के आएगी। 80 ग्राम इस पर मैंने डच प्रोसेस्ड कोको पाउडर डाला है जो कि 1/2 कप से 2/3 कप है। बेकिंग पाउडर मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच डाल दिया है और साथ के साथ मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा डाला है 1 छोटा चम्मच। बेकिंग पाउडर को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर हम 2 चीज़ें डालेंगे, एक तो कोको पाउडर इटसेल्फ और दूसरा है दही। यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है क्योंकि मैं अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ, तो 1/2 छोटा चम्मच मैं नमक का ऐड कर रही हूँ। अब अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान करके हम एक साइड में रख लेंगे। दोस्तों, छानना बहुत ज़रूरी है। छानने से एक तो हम सारे लम्ब्स को रिलीज़ कर लेते हैं, लम्ब्स ब्रेक हो जाते हैं और जो सूखे इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो इससे जो हमारा मैदा है वो थोड़ा फ्लफ़ी हो जाता है और केक जो है उसका टेक्स्चर काफ़ी अच्छा आता है। इस तरीके से मैंने इसको छान लिया और छानने के बाद सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से इस तरीके से मैं मिला ले रही हूँ क्योंकि मैदे की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है इस केक में। अब इसको हम एक साइड में रख देंगे और साइड में रखने के बाद चलिए अब हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने तेल ले लिया है। यहाँ पर मैंने फ्रेग्रेंस फ्री रिफाइंड ऑयल लिया है 250 ml। दोस्तों, कोई भी बिना खुशबू वाला तेल आप यहाँ ले सकते हैं। यहाँ पर मैं कैस्टर शुगर डाल रही हूँ 325 ग्राम, यानी कि 1.5 कप जितना। कैस्टर शुगर से आपकी बेकिंग बहुत अच्छी होती है, तो अगर आप नॉर्मली बेकिंग के शौकीन हैं या आप बाई प्रोफेशन भी बेक करते हैं तो कैस्टर शुगर आपके घर में मस्ट हैव इन्ग्रीडियंट है। इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं तब तक जब तक ये बिल्कुल क्लाउडी ना हो जाए, बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर मैं दही ऐड कर रही हूँ। 250 ml जितनी दही ऐड कर दी है मैंने। कप से आप मेजर करेंगे अगर दही, तो ये 1 कप जितनी है। और साथ के साथ यहाँ पर मैं वनीला भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर वनीला की जगह कॉफ़ी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 1 बड़े चम्मच कॉफ़ी पाउडर को लगभग 50 ml पानी में उबाल करके उसको यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं। इसको अच्छे से बीट कर लेंगे हम, और बीट करने के बाद बिल्कुल अच्छे से जब ये मिल जाएगा, जब आपको लगेगा कि सब चीज़ें आपस में अच्छे से इमल्सिफाई हो गई हैं, लगभग 2 मिनट तक बीट करने में ये सारा काम हो जाएगा, तब अब हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर दूध अलग से 1 कप ले लिया है और साथ के साथ यहाँ पर हमारा जो मैदे वाला मिक्सचर है उसको भी ले लिया है। तो मैदे वाले मिक्सचर को मैं 3 पार्ट में इसमें ऐड करूँगी और दूध को मैं 2 पार्ट में इसमें ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1/3 हिस्सा मैदे का डाला है और 1/2 दूध का ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद से दूसरा 1/3 हिस्सा मैदे का ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए दोस्तों, मैं इलेक्ट्रिक बीटर का ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर विस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। पूरा दूध यहाँ पर मैंने दूसरी बार में डाल दिया है। इंग्रेडिएंट्स को मैंने अंदाजे से डिवाइड किया है। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमारी जो मिक्सिंग है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं स्पैचुला से इसको मिक्स कर रही हूँ और इंश्योर कर रही हूँ कि कोई भी लंप ना रहे हमारे बैटर में। आप देख सकते हैं, एक बढ़िया लंप फ्री फ्लोई बैटर बनके तैयार हो गया है। तो अब इसको मैं 3 बराबर के हिस्सों में डिवाइड करूँगी, तो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो लगभग 1.5 किलो यानी कि 1500 ग्राम के बराबर हुए थे। तो मैं यहाँ पर फॉर सेफर साइड 475 ग्राम एक पैन में ऐड करूँगी ताकि हमारा जो भी वेस्टेज है उसको इंक्लूड करते हुए जितना बचेगा उसको बाद में मैं इक्वली तीनों पैन्स में डिवाइड करूँगी। तीनों पैन्स को हम ऐसे अच्छे से टैप करके बड़े बड़े एयर पॉकेट्स को रिलीज़ कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद इन तीनों पैन्स को प्री हीटेड ओवन में 170 डिग्री पर 20 मिनट के लिए बेक करेंगे, या फिर तब तक जब तक इसमें से स्क्यूअर डालने पर वो एकदम क्लीन निकल के ना आए। यहाँ पर हमारे तीनों केक बेक हो गए हैं और अब आप देख सकते हैं जब मैं इसमें एक स्क्यूअर डाल रही हूँ तो कितने अच्छे से ये निकल के आ रहा है, बिल्कुल क्लीन स्क्यूअर निकल के आ रहा है। हमारे केक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बेक हुआ है, साइड्स इसने अच्छे से रिलीज़ कर दी हैं। ये पहचान है हमारे केक्स के हो जाने की। ये देखिए, साइड्स जब छोड़ दे तो आप समझ जाएं कि केक हो चुका है। उसके बाद भी मैं सेफर साइड में हल्का सा नाइफ रन कर रही हूँ ताकि हमारा जो केक है अगर कहीं लगा हो पैन में तो वो आसानी से छोड़ दे उसको। यूजुअली इसको आप 10 से 12 मिनट तक पैन में रहने दें, उसके बाद ही डीमोल्ड करें, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर गर्म ही डीमोल्ड करके दिखा रही हूँ।
आप देख सकते हैं कितनी आसानी से केक रिलीज़ हो गया है और पार्चमेंट पेपर को भी मैं हटा दे रही हूँ ताकि आप इसका टेक्सचर देख सकें। दोस्तों, इस केक को आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल गनाश स्प्रेड करके यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी विप्ड क्रीम केक के अंदर या किसी भी फिलिंग के साथ इसको आप बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।